लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस, भरोसे का वादा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से उत्तर प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों को नई गति मिलने जा रही है, जिसमें 20 से ज्यादा सेक्टर्स में हुए 33.50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश बड़ा योगदान देंगे। इन निवेशों के धरातल पर उतरने से हर सेक्टर का कायाकल्प होगा। उत्तर प्रदेश के बड़े सेक्टर्स में से एक डेयरी और पशुधन में 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश का प्रस्ताव आया है। इसमें डेयरी सेक्टर में 31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, जबकि पशुधन में 4,400 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश होगा। दोनों सेक्टर्स में 1,00,000 से ज्यादा जॉब जनरेट होने की उम्मीद की जा रही है। 600 करोड़ रुपए का निवेश किया है। हालांकि आनंदा डेयरी की तरफ से पहले से ही उत्तर प्रदेश में कई प्लांट लगाए गए हैं, लेकिन आनंदा डेयरी ने अब अपने प्लांटों का विस्तार करना शुरू कर दिया है। खासकर हापुड़, बुलंदशहर, नोएडा समेत आनंदा के प्लांट काम कर रहे हैं। हाल ही में यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ, तो आपको बता दें कि विदेशी कंपनियों समेत देश की तमाम कंपनियों ने यहां पर करोड़ों का निवेश किया है, जिसमें आनंदा डेयरी भी शामिल है। आनंदा डेयरी की तरफ से आपको बता दें 650 करोड़ रुपए का निवेश किया है। आनंदा डेयरी के निवेश से यहाँ के युवा मानते हैं कि इससे उन्हें रोजगार मिलेगा और उन्हें दूसरे राज्यों की तरफ रुख नहीं करना पड़ेगा। वहीं किसानों के चेहरे भी काफी खुश हैं, क्योंकि किसानों को पहले इधर उधर दूध बेचने के लिए भटकना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें घर बैठे जब निवेश का दायरा बढ़ेगा तो उन्हें दूध बेचने में भी उन्हें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी जिस तरह योगी सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया और उसके बाद निवेशक आए और 33,00,000 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश पहुंचा है, उससे यहाँ के युवा काफी उत्साहित है और साथ ही साथ किसान भी काफी उत्साहित है और योगी सरकार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। जीआईएस में आए निवेश और नई नई डेयरियों के लगने से किसानों को दूध बेचने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलेंगे। हमारी कंपनी ने हमें भी प्राउड फील कराया है। 650 करोड़ का यूपी इन्वेस्टर समिट में करा है, निवेश करने का कोशिश करी है, निवेश करेगी हमारी कंपनी, और जिससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से युवाओं को रोजगार मिलेगा। यूपी के युवाओं को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आए निवेशों को धरातल पर उतारने का काम तेजी से शुरू हो गया है। पशुपालन विभाग में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है और इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और जो आसपास के वहाँ के किसान हैं वो भी अच्छे होंगे, उनको भी पैसा मिलेगा जहाँ तक कि वो अपनी आजीविका कुछ चला सके। तो हमारा मेन उद्देश्य यही है कि जो भी हमारे संग जुड़ा हुआ है, चाहे वो उसका एम्प्लॉय हो, किसान हो या कोई भी हो स्टेक होल्डर, वो सब लोग अच्छे से बढ़े और आगे बढ़े। हमारा मेन यही है कि जो भी योगी जी का प्लान है कि वो एक उत्तर प्रदेश को एक अवसर जो दे रहे हैं, हम सब उसी में उनके साथ हैं। यूपी में निवेशकों को औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू है। गौ संरक्षण के लिए 25 से 30 एकड़ जमीन लीज पर निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। डेयरी संयंत्र लगाने, गौ संरक्षण करते हुए बायो सीएनजी का उत्पादन करने, गोबर और गौमूत्र के विभिन्न उत्पाद बनाने और सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के कामों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं प्रदेश में निवेश के लिए बदले माहौल से इन्वेस्टर्स गदगद हैं। हमने यूपी के अंदर ग्लोबल समिट में 650 करोड़ का निवेश का एमओयू साइन किया है और रोजगार की अगर बात मैं सीधे कहूं तो रोजगार तो बहुत बड़े नंबर पर जाएगा। 10,000 करोड़ होते होते लगभग 1,00,000 लोगों को रोजगार हो जाएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिलाकर के, क्योंकि हम लोग लगभग 80 डिस्ट्रिक्ट में हम काम कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन पूरे देश में सबसे ज्यादा होता है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में इन्वेस्टर समिट में हुए निवेश से उत्तर प्रदेश डेयरी और पशुपालन के क्षेत्र में नई संभावनाओं वाला प्रदेश बनकर उभरा है। किसानों और युवाओं के लिए अवसरों के नए रास्ते खोले हैं।